यूपी बरेली के एयरपोर्ट से सुरक्षा एजेंसी ने दो तस्कर 400 ग्राम सोने के पाउडर के साथ गिरफ्तार किए हैं। दोनों तस्कर बरेली से मुंबई की फ्लाइट पर बैठने के बाद वापस उतर आए थे। बाहर जाते वक्त संदेह होने पर दोनों की तलाशी ली गई। एक युवक के जूते के सोल में 400 ग्राम सोना पाउडर मिला। दोनों को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ थाना इज्जतनगर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। रामपुर के टांडा थाने के कस्बा हाजीपुरा निवासी जुनैद व मोहल्ला राहूपुरा का आमिर सुहेल मुंबई जाने के लिए सोमवार को बरेली एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोनों रूटीन चेकिंग और बोर्डिंग पास बनवाने के बाद फ्लाइट में बैठे, लेकिन कुछ देर बाद ही फ्लाइट से नीचे उतर गए। संदेह होने पर बोर्डिंग स्टाफ ने इसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों को दी। पूछताछ करने पर आमिर ने बताया कि उनके पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई, इस वजह से उसने फ्लाइट कैंसिल कर दी। संदेह बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने दोनों की फिर से तलाशी ली। आरोपियों ने जूते के सोल में 400 ग्राम सोना पाउडर छिपा कर रखा था। पूछताछ में जुनैद ने बताया कि सोना पाउडर एक हफ्ते पहले दुबई से मंगाया गया था, जो कि फ्लाइट के जरिए ही बरेली आया था। जुनैद की बुआ का बेटा आसिम मुंबई में रहता है। वो इस सोना पाउडर को सोने का बिस्किट बनाकर बेचने की फिराक में था। आमिर सुहेल और आसिम के खिलाफ थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इज्जतनगर के अंतर्गत जो सिविलियन टर्मिनल है उस पे दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जुनैद पुत्र अब्दुल माजिद और दूसरा आमिर सुहेल पुत्र मोहम्मद मकसूद, ये दोनों ही रामपुर जनपद के रहने वाले हैं। ये दोनों फ्लाइट से मुंबई की फ्लाइट से जा रहे थे, और उन्होंने जब फ्लाइट में गए तो उसके बाद उन्होंने फ्लाइट को बोर्ड नहीं किया, और उसके बाद ये उतरकर बाहर जाने लगे। तो वहाँ उपस्थित जो हमारे पुलिसकर्मी थे, उन्होंने पूछा कि किस वजह से ये वापस जा रहे हैं। तो उनके द्वारा जो बातें बताई गई वो बहुत संदिग्ध लग रही थी, विश्वसनीयता उसमें कम थी। तो फिर से और गहनता से पूछताछ की गई और उनके सामान को चेक किया गया, तो उसमें से 400 ग्राम जो गोल्ड पाउडर फॉर्म में था उसको बरामद किया गया। और उन्होंने ये बताया कि ये किसी मुंबई में ये किसी व्यक्ति के साथ डील हुई थी, उसको देने के लिए जा रहे थे, और डील कैंसिल होने के बाद ये उसको वापस फ्लाइट को बोर्ड नहीं करके वापस जनपद जाने लगे। इसमें जो अन्य एजेंसियां हैं उनको सूचित किया गया, इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, और उनके द्वारा इसमें जो इनकम टैक्स है उनके द्वारा इसको सीज किया गया है, और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई है संबंधित विभाग के द्वारा इसमें की जा रही है। और दोनों ही व्यक्ति हैं, इनके द्वारा ये पूछताछ में ये भी बताया गया कि दुबई में इनके कोई जानने वाले रहते हैं, वहाँ से। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।